हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक नए स्नैक्स रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ चिकन 65। तो इसके लिए मैं चिकन को इधर अच्छे से वॉश कर लिया है। मैंने इधर बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो के वॉश कर लिया है। तो चिकन 65 का फर्स्ट स्टेप है उसको मैरिनेट करना। तो चलो पहले मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन को। मैरिनेट करने के लिए मैंने इधर दही लिया है, एक चम्मच दही डाल दूंगी इसमें। डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, डालूंगी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर है ये, और डालूंगी इसमें अदरक लहसुन और दो हरी मिर्च को मैंने कूट लिया है एक साथ मिला के। आप इधर चाहे तो लाल मिर्च का पेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा तीखा बन जाएगा। मैं मेरे लड़के के लिए बना रही हूँ, वो ज्यादा तीखा नहीं खा सकता है। आप भी बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इसमें कुछ अलग से फूड कलर यूज़ कर सकते हो लाल दिखने के लिए, लेकिन मैंने इधर यूज़ नहीं किया है। ये जो लाल मिर्च पाउडर मैंने यूज़ किया है, इससे ये एक अच्छा सा रेड कलर आएगा इसमें। तो चलो सब कुछ अच्छे से मिला लेती हूँ इसमें। तो ये चिकन मैरिनेट करना हो गया है। अभी इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से 2 घंटे बाद। तो आफ्टर 2 आवर्स के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो ये चिकन 2 घंटा मैरिनेट हो गया है। अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और डालूंगी थोड़ा सा मैदा इसमें, अभी इसको अच्छे से मिला लूंगी। तो कॉर्नफ्लावर और मैदा देके इसको मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। अभी इसको फ्राई करूँगी। तो कढ़ाई पे ऑयल दे दिया है। अब ये ऑयल को अच्छे से गरम करना है, नहीं तो ये चिकन चिपक जाएगा कढ़ाई पे। ऑयल अभी अच्छे से गरम हो गया है, इसमें मैं चिकन ये ऐड कर दूँगी। अभी ये चिकन अभी अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं इसको अभी निकाल लूँगी। तो इधर मैंने ये चिकन को निकल लिया है, ऐसे ही मैं बाकी के चिकन भी फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई को अच्छे से गरम किया था तो इसलिए नीचे चिपक नहीं रहा है।
अब ज़्यादा करके ऑयल दोगे तो एक साथ में ही सब हो जाएगा फ्राई करना। मैंने कम ऑयल दिया है इसलिए मैं तीन बार में धीरे धीरे सब फ्राई किया है। तो ये लास्ट वेज भी अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको भी मैं निकल लूँगी बाहर। तो इधर सारे चिकन है, ये फ्राई कर लिया है मैंने। ये ऐसे भी आप खा सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है खाने में। तो कढ़ाई पे अभी भी बहुत सारा ऑयल है, इतने ऑयल पे मैं नहीं बनाऊँगी, अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल कम कर लूँगी। तो कढ़ाई से मैंने ऑयल कम कर लिया है, अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी चॉप किया हुआ गार्लिक। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी कड़ी पत्ता, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। अभी इसमें मैं ये सारे चिकन ऐड कर दूंगी और दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता। गैस बंद कर दिया है मैंने। तो रेडी हो गया है ये चिकन 65। इसमें मैं अभी थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दूंगी ऊपर से। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये चिकन 65 का रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा हुआ है खाने में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आप लोगों को देखने आया और इंटरेस्ट।